गुड आफ्टरनून एवरी वन ओके सो लास्ट क्लास में हमने लास्ट दो क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम की बहुत सारी चीजें कर ली है ना उसमें हमने मोटा मोटी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं नंबर्स क्या होते हैं और उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा फिर उसके बाद हमने इैशनल नंबर की एग्जिस्टेंस को की बात की पाइथागोरस थ्योरम को सीखा पाइथागोरस थ्योरम्स के बेसिस पे इेशनल नंबर्स आए थे और इैशनल नंबर्स वो थे जो रैशनल नंबर्स नहीं है तो रैशनल नंबर्स के डेफिनेशन में और इैशनल नंबर के डेफिनेशन में कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट मतलब जो चीज रैशनल है वो इैशनल नहीं है

किसी भी नंबर 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 को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना सिखाया था रूट एक्स को वो सबको सब कुछ आता है उसमें कोई डाउट है किसी को किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मैं रूट नाइन पॉइंट थ्री को अभी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता सबको आता है वो पक्का ओके okay. तो आपको इसमें बस ये एज्यूम करना है कि आ, अगर ये क्वेश्चन आया रूट नाइन पॉइंट थ्री फोर फाइव तो आपको क्या करना है आपको एक नंबर लाइन लेना है ठीक है एक नंबर लाइन लेना है जीरो मार्क करना है जीरो मार्क करने के बाद आगे कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेना है और उसको क्या बोलना है नाइन पॉइंट थ्री फोर फाइव लॉजिक समझ में आया आप नंबर लाइन पे जाओगे जीरो मार्क करोगे जीरो के राइट right साइड में किसी भी एक कट लगाओगे और उस पॉइंट को क्या बोलोगे नाइन पॉइंट थ्री फोर फाइव अंडा फिर उसमें एक और ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा टेन पॉइंट थ्री फोर फाइव उसका मिड पॉइंट लोगे सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे जंक्शन से परपेंडिकुलर मारोगे दैट लेंथ विल बिकम रूट नाइन पॉइंट थ्री फोर फाइव और फिर वहां से एम को ओरिजिन बना के

जंक्शन से परपेंडिकुलर लो वो जो जंक्शन से परपेंडिकुलर जहां पे सर सेमी सर्कल कट करेगा वो क्या बन जाएगा रूट नाइन पॉइंट सेवन थ्री टू लॉजिक समझ में आ गया तो रूट एक्स को लेके कोई दिक्कत नहीं क्या ठीक कहानी स्केल की है ना मैं किसी भी लेंथ को कुछ भी कह सकता हूं ना उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बाद आई विल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स ओके उसके अलावा मैंने डेसिमल्स की बात की थी

नो no. अगर आपसे कोई पूछे जीरो पॉइंट नाइन थ्री नाइन थ्री नाइन थ्री कीप्स ऑन गोइंग तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आपको पता है नंबर है जीरो पॉइंट नाइन थ्री पे बार सो टेन एन क्या होगा नाइन पॉइंट थ्री नाइन थ्री नाइन थ्री पे बार क्या ये दोनों नंबर का डेसिमल सेम है नो no. तो इसका मतलब एक और टेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हंड्रेड एन इज इक्वल टू नाइनटी थ्री पॉइंट नाइन थ्री बार क्या एन और हंड्रेड एन का डेसिमल सेम है तो अब हम सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर पा सकते हैं लॉजिक समझ में आ गया था उसके बाद मैंने इरेशनल नंबर्स के अल्जेब्रा की बात की थी और आपको लास्ट में कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी राइट तो वहां से हम क्लास आज शुरुआत करने वाले हैं किसी को कुछ पूछना है अब तक से पहले की तो पूछ सकते हो तो बेसिकली आज की क्लास है वो है to understand the algebra of irrational numbers है ना algebra of irrational numbers की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि जब हम irrational numbers को किसी भी irrational number से या rational number से जोड़ते हैं, subtract करते हैं, multiply करते हैं, या divide करते हैं तो उसे उस operations को कैसे handle करना है। तो अगर मैं basic साफ़ से पूछूं कि अगर two root two को मुझे ऐड करना है थ्री रूट थ्री के साथ तो आंसर क्या होगा द आंसर विल रिमेन सेम यही रहेगा क्योंकि दोनों का जो सर्ड पार्ट है जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है वो सेम नहीं है सेम होता तो कुछ ऑपरेशन किया जा सकता जैसे अगर मैं पूछूं टू रूट थ्री प्लस थ्री रूट ट्वेल्व इसका क्या आंसर होगा तो इसका मतलब है कुछ ऑपरेशन अभी इसमें करना होगा क्योंकि ये रूट थ्री और रूट ट्वेल्व डेफिनेटली अलग है बट रूट ट्वेल्व कुछ कुछ इंटरेस्टिंग शेप ले सकता है कैसे मैं ट्वेल्व को फैक्टराइज करूंगा ट्वेल्व को तो मैं देखूंगा टू रूट थ्री प्लस थ्री रूट टू स्क्वायर इंटू थ्री सही बात है गलत बात है कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट में अगर स्क्वायर हो रहा है तो बाहर कैसे निकलेगा पावर खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा टू रूट थ्री प्लस सिक्स रूट क्या मैं इसे ऐड कर सकता हूँ या बिकॉज दोनों का सर्ड पार्ट सेम है तो ये हो जाएगा एट रूट थ्री तो ऐड करना हो सब्ट्रैक्ट भी इसको कर सकते हैं यहां पे बस मुझे माइनस लगाना है यहां पे मुझे माइनस लगाना है आंसर क्या हो जाएगा माइनस फोर रूट थ्री ठीक है तो जहां तक की बात है इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर और नंबर माइनस इरेशनल नंबर में बिल्कुल वैसा ही मेथड काम करेगा जो आप अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे काम करते थे जब भी लाइक like टर्म्स देखते थे उसे एड सब्रैक्ट कर देते थे और अनलाइक टर्म्स को छोड़ देते थे एज इट इज राइट यही करते थे तो जब आप इरैशनल नंबर्स को ऐड या सबट्रैक्ट करोगे तो अगर आपको सर्ड पार्ट जो उसका इरैशनल पार्ट है वो अगर सेम दिखता है तो आप उसके साथ ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हो सेम नहीं दिखता तो यू कैन लीव इट एज इट इज पहले सवाल में साफ दिख रहा था दोनों सेम नहीं है कभी-कभी हिडन -कभी भी रहेगा तो हिडन से छुटकारा पाने के लिए आप जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर देखे कंपोजिट नंबर समझते हो जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है तो उसको प्राइम fact, फैक्टराइज करके, जितने भी बाहर निकल सकते हैं देखना होगा और फिर उसके बाद सॉल्व करना होगा अंडरस्टूड तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इशनल नंबर को लेकर कोई डाउट no. ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे ऑपरेशन की ओर विच इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी होती है कि ए और बी दोनों को पॉजिटिव रियल नंबर्स के शेप में आपको देखना होगा तभी आप स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी को रियल नंबर मानोगे राइट right और अगर जैसे ही ए निगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर जैसे ही आएगा एरर बटन दब जाएगा रियल सिस्टम में रियल नंबर के सिस्टम में, जैसे अभी जीरो के बारे में हमने क्या बोला था कि जैसे ही जीरो डेनोमिनेटर में दिखेगा एरर बच जाएगा एरर की घंटी बचेगी हमें डेनोमिनेटर में जीरो नहीं डालना है सेम वे जब आप स्क्वायर रूट देखोगे तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट के डब्बे के अंदर क्या नहीं आएगा नेगेटिव नंबर इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो राइट और कोई दिक्कत मैंने वहां पे ए और बी दोनों को ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो इसलिए लिखा है कि जीरो को आप हैंडल करना मोटा मोटी जानते हो मतलब आपको डेनोमिनेटर में जीरो नहीं डालना है एनी anyway, वे और सब जगह जीरो आ जाएगा स्क्वायर रूट जीरो क्या होता है जीरो स्क्वायर रूट जीरो इज जीरो दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है कोई सवाल यहां तक ओके okay. तो ये जो हम जो रूल्स बनाने वाले हैं उसके लिए ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको नॉर्मली हम भूल जाते हैं और हम सीधे रूल को ध्यान में रखते हैं तो ये ध्यान में रखना जरूरी होगा अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होगा रूट ए बी ठीक है कोई दिक्कत और अगर रूट ए को रूट बी से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा रूट ए बाई बी ठीक है कोई दिक्कत यहां तक तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर रूट ए प्लस रूट बी को रूट सी प्लस रूट डी से मल्टीप्लाई किया जाए सी एंड डी आर आल्सो पॉजिटिव नंबर्स, दे आर आल्सो पॉजिटिव नंबर्स तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हम बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना होगा रूट ए इंटू रूट सी क्या बनेगा रूट ए सी और रूट ए इंटू डी और फिर उसके बाद आप रूट बी सी रूट बी डी ये सारी तीन बातें आपको पता चल गई इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं चौथी बात है कि अगर मैं रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर ले रहा हूं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर ले रहा हूं

रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप ए प्लस बी टू रूट ए बी कोई इसमें दिक्कत नहीं है इवन यू कैन एक्सटेंड इट टू रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर यू वुड बी एबल टू हैंडल इट राइट क्योंकि मॉडल आपको पता है अब आपको मैं कुछ ऐसा फॉर्म दूं, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस ए माइनस बी क्योंकि दिस इज समथिंग लाइक एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज एक्स स्क्वायर माइनस सो दिस वुड बी इक्वल टू ए माइनस बी गौर से ध्यान दीजिएगा कि आपके इसमें लेफ्ट हैंड साइड या नंबर्स नंबर है बट राइट हैंड साइड अगर कंसिडर करें ए और बी रैशनल नंबर है तो अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि ए और बी एक रैशनल नंबर है तो हमने इस मेथड से स्क्वायर रूट से मुक्ति पाई ये बात समझ में आ रहा है हम यहां पे एज्यूम कर रहे हैं कि ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स तो ए और बी अगर रैशनल नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट ए और रूट बी डेफिनेटली इन नंबर होगा राइट right? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कट के बाहर आ जाएगा लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट ए और रूट बी नंबर होगा सो रूट ए प्लस रूट बी इेशनल नंबर रूट ए माइनस रूट बी इेशनल नंबर इेशनल नंबर इंटू इराशनल नंबर इज टर्निंग आउट टू बी रैशनल नंबर तो मतलब देयर कुड बी सिनारियोज देयर कुड बी सीनारियोज वेयर The product of two irrational numbers can become rational. The product of two irrational numbers can become और यहां पे आप देखोगे तो दोनों के बीच में एक रिश्ता है दोनों के बीच में एक क्या रिश्ता है एक के बीच में प्लस है एक के बीच में माइनस है, है ठीक है सो so इसी को इसी आइडिया को मैं फर्दर बिल्ड कर रहा हूं लेट से आई हैव अ नंबर कॉल्ड ए प्लस रूट बी समिंग लाइक टू प्लस रूट थ्री थ्री प्लस रूट सेवन सेवन प्लस रूट थ्री ऐसे करके कुछ भी नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं दो जो भी रिजल्ट आ रहा है दैट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव क्लियर बट वो अभी हम उस निटिग्रिटी में नहीं जाएंगे अभी बस हम इस बात पर ध्यान देंगे अब कॉमन सेंस से बताओ कि यह एक रैशनल नंबर है मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट आई गेट अ रैशनल नंबर कैसे पता क्योंकि ऊपर हमने देखा था जब दोनों पे स्क्वायर रूट था तो भी हम स्क्वायर रूट से छुटकारा इसलिए पा पाए यहां पर क्या है ए प्लस रूट बी तो अगर मैं इसको ए माइनस रूट बी से करूं तो दिस इज समथिंग इन अ मॉडल ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जिसमें से हम स्क्वायर रूट से छुटकारा पा सकते हैं तो हम इसको क्या कर लेंगे विच इज बी इस सेवन प्रॉपर्टीज को लेके कोई दिक्कत पक्का यहां पे बस एक वर्ड लिख लो जिसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा रैशनलाइजिंग ठीक है हमने एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर करने के लिए कुछ रैशनलाइजिंग किया अब ये रैशनलाइजिंग क्या है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे मैंने डेनोमिनेटर वर्ड तो यूज नहीं किया अभी मैंने सिर्फ रैशनलाइजिंग यूज किया जब तुम्हारे को सवाल दिखता है तो क्या लिखा रहता है रैशनलाइज द डेनोमिनेटर क्या ये सवाल नहीं बना सकता हूँ रैशनलाइज द डोमिनेटर बना सकता हूँ मेरा मूड है है ना रैशनलाइज के आगे मैं कुछ भी लिख सकता हूं रेशनलाइज द एक्सप्रेशन है ना अंडरस्टूड तो ये वर्ड रैशनलाइजिंग है लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं आपको अगर याद हो मैंने रैशनल नंबर की कहानी जब सुनाई थी आपको तो आपको बताया था कि रैशनल नंबर के पास एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है वो ये कि अगर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से जोड़ा जाए तो रैशनल नंबर आता है नंबर नंबर को से मल्टीप्लाई किया जाए तो रैशनल नंबर आता है रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रैशनल नंबर आता है और रैशनल नंबर को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जाए तो रैशनल नंबर आता है तो रैशनल नंबर की ये खास बात थी कि ये चारों फॉर्म में ये चारों फॉर्म में चारों ऑपरेशंस में अपने ही काइंड को प्रोड्यूस कर रहा था राइट right? देयर मस्ट बी सम रीजन अबाउट दिस इेशनल नंबर विच इज नॉट फॉलोइंग द सेम प्रोसेस तो इैशनल नंबर को इेशनल कहने का एक रीजन इस तरीके से भी सोचा जा सकता है सोचा जा सकता है जैसे मान लो मैं इस रूम में दो सभ्य आदमी को छोड़ दो, दो सभ्य आदमी को छोड़ दो इस रूम में तो रूम की हालात ठीक रहेगी सब कुछ सही रहेगा और उन दोनों मिलके जो भी कोलैबोरेट करेंगे उसका प्रोग्रेसिव चीजें दिखाई देगी राइट right? अब इस सीनारियो को बदल दो रूम में मैं दो पागल आदमी छोड़ दू दो पागल आदमी छोड़ दो तो क्या हो जाएगा हो सकता है रूम तहस नहस हो जाए बहुत बुरा हाल हो जाए एक पागल और एक शरीफ आदमी छोड़ दो मतलब जो पागल नहीं है पागल मतलब लिटरली पागल की तरह मतलब हर में हर लोग होता है पागल खाना बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से किसी कॉन्सेप्ट को गाढ़ा करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं जो भी कैरेक्टर यूज करूं उसको बहुत लिटरली दिल से लेने की आवश्यकता हमें एक समझ बनानी है इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूं वो समझ बन जाएगी तो कहानी याद रह जाती है, है ना तो अगर एक पागल व्यक्ति को एक सभ्य व्यक्ति के साथ छोड़ दिया जाए तो भी रूम की हालात खराब हो जाएगी क्योंकि सभ्य आदमी पागल आदमी को हैंडल करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी और शायद वो भी पागल हो जाए उसकी हालत को देखते हुए है ना इसलिए कभी कभी हम अक्सर ये देखते हैं कि इैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इेशनल नंबर लेकिन कभी कभी दो पागल को अगर एक साथ छोड़ दिया जाए और दोनों एक दूसरे के पागलपन को बेबाखूबी समझते हैं तो उनकी दुनिया अच्छी हो सकती है समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो देयर एग्जिस्ट टू पागल जो एक साथ अपनी दुनिया को उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट सोलमेट है ना वो एक दूसरे का सोलमेट होता है तो हर इेशनल नंबर का एक सोलमेट एग्जिस्ट करता है अब ये जो सोलमेट है उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉन्जुगेट क्या वर्ड यूज होता है कॉन्जुगेट अगर अंग्रेजी भाषा में मैं बात करूं तो कॉन्जुगेट का मतलब है कोई दो चीज एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ फिट इन करे उसे हम क्या कहते हैं कॉन्जुगेट जैसे कि अगर आप अपने पेन को देखो इस पेन और इस पेन पे फोकस करो ये दोनों पेन के दो पार्ट हैं

ग्यारहवीं और बारहवीं में सुनोगे अपनी फिजिक्स की क्लास में मैथ की क्लास में केमेस्ट्री की क्लास में और कॉन्जुगेट वर्ड आप अपनी अंग्रेजी की क्लास में भी सुनोगे तो समथिंग विच फिट्स टुगेदर वी कॉल देम कॉन्जुगेट तो अगर आप नॉर्मल इंसानी भाषा में बात करोगे तो आप कहते हो कि हर एक इेशनल नंबर का एक पार्टनर एग्जिस्ट करेगा जो उसका परफेक्ट कॉन्जुगेट होगा और उसे हमें खोजना है तो अगर परफेक्ट कॉन्जुगेट को डिफाइन किया जाए तो अगर लेट से मैं एक नंबर पिक करता हूं टू प्लस रूट थ्री ठीक है और मैं यहां पे एक सीरीज ऑफ नंबर्स लिखता हूं एक सीरीज ऑफ नंबर्स लिखता हूं जिससे टू प्लस रूट थ्री को एड किया जाए टू प्लस रूट थ्री को ऐड किया जाए तो वो रैशनल नंबर बन जाता है तो अगर मैं एग्जाम्पल लू माइनस रूट थ्री इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा तो रैशनल नंबर बन गया मतलब इन दोनों पागल को साथ छोड़ने पे ऐड करने की वजह से सब ठीक हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करने पे सब ठीक नहीं हो रहा है ऐड करने पे सब ठीक हो रहा है बट मल्टीप्लाई करने पे नहीं ठीक हो रहा है तो मतलब इसके साथ कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है लेकिन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है वन माइनस रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री थ्री माइनस रूट थ्री माइनस वन माइनस रूट थ्री माइनस फोर माइनस रूट थ्री माइनस टू बाई फाइव माइनस रूट थ्री मतलब इन सारे सीरीज के साथ अगर मैं इसको एड कर दू तो हर बार मुझे रैशनल नंबर मिलेगा क्योंकि रूट थ्री को माइनस रूट थ्री कैंसिल करेगा और रैशनल नंबर और रैशनल नंबर अपना अपना काम कर लेंगे राइट सो दीज आर द लिस्ट लिस्ट ऑफ पीपल विथ होम टू प्लस रूट थ्री कैन परफेक्टली अप कैन परफेक्टली अप नाउ लेट से आई नीड वन नंबर जो टू प्लस रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी रैशनल बन जाएगा राइट तो नाउ आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट हेयर आप सबको पता है टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करने पे रैशनल बन जाएगा और कोई नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे रैशनल बन सकता है फोर माइनस टू रूट थ्री फोर माइनस क्या कॉमन है टू कॉमन है बाहर निकाल दिया आप लॉजिक समझे फोर माइनस रूट थ्री से नहीं होगा क्योंकि फोर माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर नहीं आएगा इट हैज टू बी है ना टू इंटू टू माइनस रूट थ्री कोई दिक्कत नहीं है जैसे थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ इंटू टू माइनस रूट थ्री से भी मल्टीप्लाई करोगे तो सो नाउ यू हैव अ सीरीज ऑफ नंबर्स इरेशनल नंबर्स जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल हो जाएगा लेकिन ऐड करने के बाद रैशनल नहीं बनेगा ऐड करने के बाद रैशनल नहीं बनेगा सिवाय एक बंदे के वो क्या है तो इन दोनों लिस्ट में कॉमन क्या है और वही उसका सोलमेट है वही उसका कॉन्जुगेट है लॉजिक समझ में आ गया तो जब भी आपको p प्लस रूट क्यू का फॉर्म दिखे मैं सारे इराशनल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ इस इेशनल नंबर की बात कर रहा हूं जो इस फॉर्म में पी प्लस देर आर मेनी इेशनल जो वन बाई थ्री के फॉर्म में होगा e है पाई है तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ p प्लस रूट क्यू के फॉर्म की बात कर रहा हूं तो p प्लस रूट क्यू के लिए कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई भी करूं और ऐड भी करूं तो वो रैशनल नंबर देगा तो ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर है तो जब भी आपको किसी भी तरीके का रैशनलाइजेशन करने को आए और इस फॉर्म में हो p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में तो आप किसके बारे में सोचोगे p माइनस रूट क्यू के बारे में बट हमेशा पी प्लस रूट क्यू के फॉर्म को रैशनलाइज करने को नहीं आएगा कभी-कभी रूट रूट टू प्लस थ्री भी आ सकता है बट रूट टू प्लस रूट थ्री को रैशनलाइज तो आप कर सकते हो क्योंकि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज ए माइनस बी लेकिन रूट ए प्लस रूट बी का कॉन्जुगेट रूट ए माइनस रूट बी नहीं है क्योंकि 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 ऐड करने पे भी इैशनल नंबर ही आ रहा है क्योंकि रूट बी रूट बी तो कट गया लेकिन रूट ए दो बार क्या बन जाएगा टू रूट ए विच इज अ नंबर तो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट है अभी आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इवेंचुअली आप हाइपरबोला पढ़ोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे उन सब जगह पढ़ोगेट वर्ड लगातार आएगा तो कॉन्जुगेट वर्ड का फिलोसफिकल मीनिंग क्या है वो समझना जरूरी है अंडरस्टूड कोई दिक्कत ओके सो लेट सॉल्व सम प्रॉब्लम सो दैट वी आर वेरी क्लियर कि हमें ये सारी प्रॉपर्टीज को लेके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई है ठीक है so, सो आपके एनसीईआरटी से ही सवाल देंगे और उसके अलावा अलग से हम नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस सेशन विकासर अरेंज करेंगे जिसमें आपकी क्लासेस होंगे ओके okay? चलो ये क्वेश्चन पूरी क्लास करो फोर माइनस रूट थ्री इंटू फोर प्लस रूट थ्री तू ही बता इसका क्या आंसर होगा हाँ बता नहीं नहीं अभी पढ़ाया ना अभी तो पढ़ाया पढ़ा बता नहीं लेट लेट है, क्योंकि सवाल इसका है सबने डन कर दिया अभी अभी क्या मैं बताया था ये देख क्या है पी प्लस रूट क्यू पी माइनस रूट क्यू देख क्या लिखा हुआ है ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी क्या लिखा है कैसे आया एक्स प्लस वाई इंटू विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आप बता x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है क्या होता है तो बताओ क्या लिखू मैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई यहां पर एक्स क्या है यहां पे x क्या है और y क्या है एक्स का फोर का स्क्वायर क्या होगा और रूट थ्री का स्क्वायर क्यों रूट का मतलब होता है कि वो नंबर तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होगा थ्री। अच्छा ये मल्टीप्लाई करना आता है ना सिक्स रूट फाइव इंटू टू रूट फाइव सब एक एक लाइन आंसर है सबको लिखते जाना ठीक है मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा सबको तुम फिलअप करते जाना सारे क्वेश्चंस एक एक लाइन के हैं या मुश्किल से टेन सेकेंड्स के होंगे जल्दी से करो फिर मैं पावर्स समझाऊंगा चारों क्वेश्चन सॉल्व करो फर्स्ट सबका सही हो गया जिनका सही हो गया वो आगे सॉल्व करते रहो जिनका सेकंड मैट के वो देखो ये ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी फॉर्म है क्या फॉर्म है भैया तो आगे सॉल्व करता रहेगा यहाँ तक तो क्वेश्चन है मैं बता दूंगा जो दूसरे में अटके हुए हैं ये क्या है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी जब ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी करना तो क्या करना होता है ए को सी के साथ ए को डी के साथ बी को सी के साथ बी को डी के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है बचपन में कराया गया था अच्छा ये बताओ इसमें कितने लोग फंसे हुए हो हाथ उठाओ तो तो इसको मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई कर पाओगी

थर्टी फाइव तो प्लस रूट थर्टी फाइव समझ में आएंगे पक्का यही आंसर आएगा रूट सेवन इंटू टू प्लस रूट फाइव यही है? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे फाइव जाएगा टू प्लस रूट फाइव के साथ फाइव इंटू टू प्लस रूट फाइव और रूट सेवन इंटू टू प्लस ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो क्या था इसका आंसर और इसका आंसर क्या आया था क्या इन चारों में कोई भी लाइक like टर्म है नहीं है तो लीव द आंसर एज इट इज अच्छा ये बताओ तीसरे का आंसर क्या आया 20 सबके 20 आ गए फोर्थ का क्या होगा एक्सीलेंट और फिफ्थ क्या होगा फोर। तो आप लोगों ने यह पार्ट अच्छे से कर लिया इस पार्ट को मैं मिटा दूं। पहला पार्ट क्या है रैशनलाइज द डेनोमिनेटर का मतलब क्या होता है यू जस्ट हैव टू मेक द डेनोमिनेटर रैशनल नंबर बाकी से इससे मतलब नहीं है बाकी सब अपने आप रैशनल होंगे दैट्स ओके okay. तो अगर मैं वन अपॉन रूट टू है मेरे पास तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि रूट टू बाई क्यों ये अलाउड है करना क्योंकि is... किसी भी संख्या से वन मल्टीप्लाई करना इलीगल है या सही इलीगल है लीगल है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा ओके तो रूट टू अपॉन नीचे क्या हो गया रूट टू इंटू रूट टू क्या बन जाएगा टू ठीक है पहला सवाल बहुत ही सरल था और पांचवा सवाल का क्या आंसर होगा रूट सेवन बाई सेवन सो वन हो गया फिफ्थ हो गया कोई दिक्कत किसी को ओके okay, यहां पे क्या दिख रहा है फॉर्म आपको p प्लस रूट क्यू जब भी p प्लस रूट क्यू किस पुकारना है p माइनस रूट क्यू को तो क्या हो जाएगा इसका आंसर और नीचे वन आ जाएगा टू स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर इज वन ये हो गया सबका फोर्थ yes. करो बाय फोर्टी नाइन माइनस एटीन वॉट इज फोर्टी नाइन माइनस एटीन थर्टी वन हो गया सबका ठीक है वन टू फोर फाइव सबसे हो गया ओके okay. कौन सा वन अपॉन सेवन प्लस थ्री रूट टू है पी प्लस रूट क्यू फॉर्म है तो इसका पार्टनर कौन होगा सेवन माइनस थ्री रूट टू तो इंटू सेवन माइनस थ्री रूट टू अपॉन ऊपर डोमिनेटर में एज इट इज छोड़ दो सेवन माइनस थ्री रूट टू डेनोमिनेटर में सेवन का स्क्वायर क्या होगा फोर्टी नाइन और थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन और रूट टू का स्क्वायर टू सो नाइन इंटू टू समझ आया तेरा कॉन्सर्ट कैसा गया था कॉन्सर्ट ठीक गया था तेरा ठीक चलो थर्ड और सिक्स करें थर्ड बताओ क्या होगा फाइव रूट थ्री प्लस फाइव रूट फाइव डिवाइड बाई माइनस टू सबका यही आंसर आया है कोई दिक्कत नहीं है फाइव बाहर भी निकाल सकते हो क्योंकि दोनों में फाइव है तो तुम माइनस फाइव बाई टू इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस फाइव बाई टू इंटू रूट थ्री प्लस ये आंसर भी लिख सकते हो ठीक है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है क्या किया आपने आपने टू बाहर माइनस टू बाहर ले गया और फाइव बाहर ले गया अंदर क्या बच गया रूट थ्री प्लस रूट फाइव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस से ओके ये हो गया व्हाट अबाउट दिस रूट सेवन प्लस रूट सिक्स क्योंकि नीचे आ जाएगा वन नीचे आ जाएगा वन लॉजिक क्लियर ओके सो नाउ सी पार्ट बताओ कैसे करेंगे मैं इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलूंगा नाइन पॉइंट i take consider this line as and i'll say this as one. this as one. ठीक है अब मैं क्या करूंगा i'll take the midpoint ये लेट्स से a है ये लेट्स से b है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा 10.3 2 क्या होगा टेन पॉइंट थ्री टू क्या होगा फाइव पॉइंट वन फाइव सो आई कंसिडर दिस एस एम और एम का लेंथ क्या होगा फाइव पॉइंट इसका लेंथ क्या होगा लॉजिक समझ में आ रहा है नॉट टेकिंग एम एज सेंटर में क्या ड्रॉ करूंगा सेमी सर्कल हा सेमी सर्कल एंड आई एल कॉल This juncture, this juncture as O, I'll call this juncture as which is origin. I'll call this juncture as origin, and I'll extend this as a number line. I'll extend this as a number line. Now what I'm going to do? I'm going to draw a perpendicular line through O. Draw kar right? a perpendicular line. Perpendicular draw इज नाइंटी डिग्री नाउ ओ जहां पे कट करेगा लेट्स कॉल दिस एस क्यू लेट्स कॉल दिस एज वॉट इज द लेंथ ऑफ ओ क्यू रूट नाइन पॉइंट थ्री सो वॉट आई डू आई टेक दिस कॉम्पस पुट द मेटल पार्ट ऑफ कॉम्पस हेयर एंड द पेंसिल पार्ट ओवर हेयर एंड देन वॉट आई डू आई ड्रॉ एन आर्क आई ड्रॉ एन

जो आपके एनसीआरटी के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है अगर मैं पाई की बात करूं तो आपने लाइफ में पाई सबसे पहले सर्कल में बात की थी आपसे पूछा गया था सरकम तो आपने कहा था टू पाई आर आपको बताया गया था एरिया ऑफ सर्कल पाई पाईआर स्क्वायर विदाउट एनी प्रूफ विदाउट एनी थिंग जस्ट लाइक गॉड्स वर्ड कि आज से ये बात माननी होगी कि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड सर्कम्फे सर्कल इज टू पाईर लॉजिक की बात आज नहीं करेंगे बाद में करेंगे जब हम लोग आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सर्कल चैप्टर पे होगा तब मैं पाई पे थोड़ा सा और चर्चा करूंगा या अभी मन किया तो कर लूंगा ये जो पाई है इसको डिफाइन कैसे किया जाता है तो पाई को डिफाइन किया जाता है एज ए रेशियो ऑफ सर्कम ऑफ अ सर्कल ऑफ अ सर्कल एंड डाया ऑफ अ सर्कल इसका मतलब कुछ समझता है क्या होता है इसका मतलब है कि तुम ये सर्कल लो ये सर्कल लो ये सर्कल लो।, लो ये तीनों सर्कल दिख रहे हैं तीनों डिफरेंट डायमेंशन के हैं ठीक तीनों का डाया ड्रॉ कर दो तीनों का डाया ड्रॉ कर दो डाया जानते हो क्या होता है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है नो मैटर विच सर्कल यू पिक इसका सरकमफेरेंस क्या होता है दिस इज सरकमफेरेंस राइट द आउटर बाउंड्री इज सर्कम्फेरेंस अगर मैं आउटर बाउंड्री को मेजर करूं तो मैं एक थ्रेड डाल के मेजर कर सकता हूं अप्रोक्सीमेटली तो ही सकता हूं इसको भी कर सकता हूं इसको भी कर सकता हूं तो आपके पास एक वाइट थ्रेड है और दूसरा एक ब्लैक थ्रेड है वाइट थ्रेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सरकमेंस और ब्लैक थ्रेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सो इट वॉज वेरी इंट्रीगिंग फॉर द अर्ली मैथमेटिशियंस दैट द रेशियो ऑफ वाइट थ्रेड एंड ब्लैक थ्रेड इज कॉन्स्टेंट मतलब नो मैटर वॉट द साइज ऑफ द सर्कल इज द रेशो इज ऑलवेज टर्निंग आउट टू बी समथिंग वेरी क्लोज टू थ्री मैटर आप जो भी जितने भी बड़े सर्कल बना लो जितने भी छोटे सर्कल बना लो उसका डायमीटर और सरकम जब नापोगे तो उसका रेशो कॉन्स्टेंट आ रहा है एंड दैट वॉज समथिंग विच एक्साइटेड मैथमेटिश दैट वॉज समथिंग विच मेड दम Look into it, हो क्या रहा है भाई एंड दैट गेव बर्थ टू दिसमीनेटिंग बच्चे ने मुस्कुराया वाइट देखो जब मैथमेटिशियन किसी पर काम पे करते तो उसका इंपैक्ट क्या होता है लेट मी गिव यू आर्किमिज वॉज द फर्स्ट पर्सन जो पाई की वैल्यू निकालने के पीछे पड़ गया उसके ठीक दो हजार साल बाद न्यूटन कैलकुलस पे ब्रेक थ्रू लिया कैलकुलस को स्टैब्लिश किया साथ साथ न्यूटन के साथ लिबनीज भी कैलकुलस पे काम किया और कैलकुलस टर्न आउट टू तो बी वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुम एडवांसमेंट देख रहे हो आज जो तुम मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट देख रहे हो आज जो तुम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देख रहे हो वो सब पॉसिबल ही नहीं था विदाउट कैलकुलस। नाउ द क्वेश्चन इज पाई विच इज द रेशो ऑफ सर्कम ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल वाई पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर इफ इट इज राइट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेशियो बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रेशन नंबर इज द रेशो ऑफ टू नंबर्स। नहीं पाई की एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सरकमफेरेंस और डायमीटर की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता हूं क्वेश्चन ये है सेकंड क्वेश्चन ये है कि रेशो का मतलब ये थोड़ी है कि वो रैशनल नंबर है क्या डिफाइन करते हो पी बाई क्यू वेयर आर इंटीजर्स तो दे आर नेवर टुगेदर एट द सेम टाइम इंटीजर्स अगर एक इंटीजर होगा तो दूसरा डेफिनेटली इंटीजर नहीं होगा अंडरस्टुड अच्छा ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था बट बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूं वॉट इज द वैल्यू ऑफ पाई तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पाई इज इक्वल टू ट्वेंटी टू बाई सेवन और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पाई इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट वॉट इज द करेक्ट स्टेटमेंट एप्रोक्सीमेट जैसे लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि आप बहुत सारी चीजें अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं सो यू टेक दिस एज योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू सो दे आर नॉट दिस बिकॉज ट्वेंटी टू बाई सेवन इज अ वेरी मच रैशनल नंबर थ्री पॉइंट वन फोर इज अ वेरी मच रैशनल नंबर लॉजिक समझ में आ गया ओके नाउ कमिंग टू द लास्ट पोर्शन ऑफ नंबर सिस्टम ठीक है आप लोग सब एक्सपोनेंट्स क्लास एट एट में पढ़ चुके हो राइट right? जहां पे आपको पावर टू पावर थ्री के बारे में बताया गया है स्क्वायर का मतलब पावर टू जब तीन बार खुद से मल्टीप्लाई होता है उसे आप कहते हो ए टू द पावर थ्री तो बेसिक डेफिनेशन क्या है ए टू पावर एनी नेचुरल नंबर ए टू द पावर एनी नेचुरल नंबर इज नथिंग बट a into a into how many times n times ये बेसिक डेफिनेशन है और यहां पे पावर सिर्फ क्या रखा गया है नेचुरल नंबर ठीक है यहां तक तो किसी को दिक्कत यही से पूरी खेल शुरू होगी तो कोई चीज अगर नहीं भूलना है तो ये नहीं भूलना है अगर ये याद रहेगा तो सब कुछ कॉमन सेंस से निकल जाएगा और ये भूल गए तो सब रूल अलग सा लगेगा ठीक है अंडरस्टूड तो अगर कोई बोले स्क्वायर तो इसका क्या मतलब होता है ए इंटू ए और ए क्यूब बोले तो और इन दोनों को अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हैं? सो so कितने दिख रहे हैं? तो ए के कितने पावर हो गए तो क्या हुआ ए इंटू टू इंटू ए टू इंटू थ्री बिकेम्स ए टू द पावर इससे क्या पता चला ए टू टू द पावर एन इसका मतलब है ए इंटू एम बार और ये कितनी बार N बार तो टोटल कितने दिख रहे हैं एम प्लस एन तो क्या हो जाएगा आंसर ये आप लोगों को सबको पता होगा कोई दिक्कत इस बच्चे को अभी हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर पे हैं नाइन इंटीजर पे नहीं है मैं नेचुरल नंबर से किस पे जाऊंगा पहले जीरो पे फिर इंटीजर पे सबका मतलब समझेंगे और फिर उसके बाद रैशनल नंबर पे ठीक है बट जैसे ही रैशनल नंबर नंबर से रियल जाऊंगा तो वहां पे आपको रूल करना पड़ेगा सही है क्योंकि प्रूफ के लिए आपको क्या चाहिए कैलकुलस जिसकी मैं बात किया था तो अभी हम उसकी प्रूफ नहीं करेंगे लेकिन रैशनल नंबर तक हम जा सकते हैं इस नॉलेज से ठीक है एक और डेफिनेशन दूंगा उसके बाद उससे जा सकते हैं ठीक क्लियर हो गए तो फंडामेंटल ये है कि ए टू द पावर एम का मतलब पता होना चाहिए मतलब पता होना चाहिए मतलब क्या है ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है टाइम्स और ए टू पावर एम इंटू ए टू द पावर एन का मतलब है इसका मतलब क्या है ए को एम बार मल्टीप्लाई करना इसका मतलब क्या है ए को एन बार मल्टीप्लाई करना तो टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम प्लस एन ठीक कचड़ा टू द पावर एन का मतलब क्या है कचरा कचड़ा बार? एन कचरा से. ठीक है लॉजिक समझ में आ रहा है अगर मैं ए टू पावर एम पे एन लगा रहा हूं ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम कितनी बार तो यहां पे एम ए है यहां पे एम ए है यहां पे एम ए है तो टोटल एम एम कितने होंगे टोटल एम कितने होंगे एम यहां है, एक एम यहां पे एक और एम तो कितना हो गया दो एम तीन एम चार एम टोटल कितने एम है एन एम तो टोटल एन कितने हो गए ए ए टू द पावर एम एन लॉजिक समझ में आया तो ये दो रूल सबको याद रहेगा आपको याद भी है बचपन से करते आ रहे हो लॉजिक समझ में आ रहा है ओके okay. तो हमने सीखा ए टू द पावर एम का मतलब ए टू द पावर एम इन टू ए टू द पावर एन का मतलब और ए टू द पावर एम टू पावर एन का मतलब ठीक है अगर मैं आपसे पूछू टू टू द पावर फोर टू द्री इसका क्या आंसर होगा और मैं पूछू टू टू द पावर फोर टू द्री तो कुछ तो होगा टू टू द पावर सिक्सटी फोर वेरी गुड सो ऑलवेज रिमेंबर ए टू द पावर एम टू द पावर एन इज नॉट इक्वल टू ए टू द पावर याद रहेगा ये थोड़ा सा स्कूल में नहीं पूछेगा बट कॉम्पिटेटिव में आपसे ये रूल पूछ सकता है यू ऑलवेज टॉक अबाउट कि टू पे कितना पावर है तो तुम बोल रहे हो टू पे कितना पावर है फोर क्यूब वॉट इज फोर क्यूब यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड आउट जिसे पावर चढ़ा है Understood? ये इसका मतलब होता है कि टू टू पावर फोर पे पावर थ्री है अच्छा टू दू पावर सिक्सटी फोर कितना वाह तू देख सकता है टू द पावर टेन होता है वन जीरो टू फोर ठीक है उसको पावर सिक्स दे इनटू टू टू पावर फोर अब 1024 को तुझे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो कर लेगा आ जाएगा आंसर बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा ठीक है दो रूल से कोई दिक्कत नहीं a टू द पावर m का मतलब समझ में आ गया a टू द पावर m into a टू द पावर n का मतलब समझ में आ गया a टू द पावर m टू द पावर n में दोनों में फर्क समझ में आ गया सो वी हैव अंडरस्टूड a टू द पावर m का मतलब a टू द पावर m into a टू द पावर n is equal to... कितनी बार एक ही चीज लिखता हूं नहीं ये याद रखना ठीक है ए टू पार एम इंटू बी टू द पावर एम क्या खास बात दिख रहा है बेस अलग है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अभी मैं सारी कहानी किसके लेकर आ रहा हूं नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है ओके ए टू पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू पावर n. कंसीडर एम इज ग्रेटर देन कंसीडर कंसीडर एम इज ग्रेटर देन एन तो न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से ऊपर कितने एम्स दिख रहे हैं एम ऊपर कितने एज दिख रहे हैं एम और नीचे कितने एज दिख रहे हैं एन तो नीचे वाले एन कट जाएंगे तो ऊपर कितने बचेंगे एम माइनस एन तो क्या बन जाएगा तो नेचुरल नंबर तक के सेटिंग में ये सब सही है कोई दिक्कत पक्का आगे बढ़े ए टू दर एम अपॉन ए टू द पार एम क्या होगा आंसर बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो आंसर क्या होता है वन और ए टू दर एम अपॉन ए टू द पॉवर एन का आंसर क्या होता है ए टू द पॉवर तो क्या मैं कह सकता हूं टू द पॉवर जीरो तो कोई पूछेगा ए टू द पॉवर जीरो वन क्यों मैं तो लॉजिक समझाया पक्का कोई दिक्कत अब मान लो लिखा है टू टू द पावर फोर अपॉन टू टू द पॉर सिक्स न्यूमरेटर में कितने टूज हैं और नीचे कितने टूज हैं? तो ये वन अपॉन टू स्क्वायर है वन अपॉन वन अपॉन टू स्क्वायर है अब ये लिखो कि जब भी वन अपॉन टू हो वन अपॉन थ्री हो वन अपॉन हंड्रेड हो वन अपॉन सेवेंटी थ्री हो अगर मैं इन सारे नंबर को पावर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं टू टू द पावर माइनस वन थ्री टू द पावर माइनस वन टेन टू द पावर माइनस टू सेवेंटी थ्री टू द पावर माइनस वन तो क्या माइनस वन का मतलब समझ में आ रहा है माइनस वन का मतलब है वन अपॉन तो ए टू पावर माइनस वन का मतलब क्या होगा वन अपॉन ए जैसे ही मैंने माइनस की इस कहानी को समझ लिया क्या मैं अपने सारे रूल्स को इंटीजर पे पोस्ट कर सकता हूं कर सकता हूं सो so, इसका मतलब है ए टू टू द पावर एन इज इक्वल टू एट द पावर एम प्लस एन इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर पावर ऑल्सो इट इज ट्रू फॉर तो इंटीजर को लेके कोई दिक्कत है किसी को टू टू दावर माइनस थ्री का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है वन अपॉन टू क्यूब वन अपॉन कचरा टू द पावर माइनस फोर का मतलब क्या होता है कचरा टू पावर फोर नेगेटिव पावर्स को भी हैंडल करना जान गए लॉजिक वही है डिवीजन वाला एट द पावर एम डिवाइड बाई एट कहूं टू टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एट को मैं क्या लिखूंगा टू द पावर फाइव माइनस विच इज टू टू द पावर और अगर मैं ये नहीं भी बताऊ तो आप इसका आंसर क्या लिखते हैं वन अपॉन टू थ्री बाई थ्री तो टू द पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन टू क्यूब लॉजिक समझ में आ गया ठीक है जैसे ही मैंने ए टू द पावर एम आपको समझाया कि ए टू द पावर एम का मतलब होता है ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करना ठीक है वैसे ही आपको ए टू द पावर हाफ अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं ए टू द पावर हाफ मतलब मैं रैशनल नंबर पे आ गया हूं ये जानते हो लेकिन सा पहले अभी थोड़े देर के लिए इसको सोच लेते हैं कि ये कुछ होगा ये कुछ होगा ठीक ए बाई पावर टू वन बाई टू ए टू द पावर वन बाई टू अगर मैं स्क्वायर रूट को डिफाइन करता हूं तो कैसे डिफाइन करता हूं स्क्वायर रूट को हां जिस नंबर को आप खुद से मल्टीप्लाई करके जो पाते हो वो स्क्वायर होता है और जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके वो मिलेगा तो अगर मैं कहता हूं दिस गाय स्क्वायर रूट ऑफ ए दिस गाय जिसको मैं ऐसे भी लिखता हूं जिसे मैं कहता हूं रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए और जिसे मैं कहता हूं ए टू दावर हाफ इंटू ए टू दावर हाफ विच मीन्स ए टू द पावर आप देख सकते हो वॉटर इट इज इसको स्क्वायर करना है वॉट एवर इट इज इसको तो आप कह सकते हो दिस इज क्या बचा तो इसको अभी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ए टू द पावर वन बाई एन का मतलब क्या होता है क्या मतलब होता है एंथ रूट ऑफ इसका मतलब क्या होता है एंथ रूट ऑफ लॉजिक समझ में आ रहा है एंथ रूट ऑफ ए का मतलब है अगर मैं ए टू द पावर वन बाई थ्री कह दू तो इसका मतलब है ये वो चीज है जो तीन बार इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा ए और ए टू पावर वन बाई फोर का मतलब क्या है अगर इसको खुद से चार बार मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या देगा ए और पावर का मतलब क्या है अगर ये पावर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया टू द पावर वन बाई क्यू इसका मतलब क्या है क्यूथ रूट ऑफ ए और इस पे अगर मैं पावर पी दे दूं तो उसी को पी टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या बन जाएगा और जब भी ए रेस टू द पावर पी बाई क्यू आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो या तो आप ए टू द पावर वन बाई क्यू कर लो और पी से मल्टीप्लाई कर दो या ए टू द पावर पी ले लो और उसका समझ में आया विथ दिस अंडरस्टैंडिंग वी विल ट्रांसफर ऑल द प्रॉपर्टीज

नेचुरल पावर्स के लिए पड़ी थी वो किसके लिए ट्रू है रैशनल पावर्स के लिए भी ट्रू है तो चलिए दो चार सवाल देख लेते हैं सो दैट आई गॉड अ क्लैरिटी की तुम्हें ये बात समझ में आ गई है देखो डिनोमिनेटर का मतलब क्या है द स्क्वायर रूट द स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर रूट ऑफ वॉट ईदर यू आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब और यू आर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट टू यू आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ इधर यू आर फाइंडिंग स्क्वायर रूट टू ऑफ क्यूब टू क्यूब या यू आर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट टू जस्ट ऑर्डर का फर्क है इसका आंसर तुम लिख सकते हो रूट एट टू रूट टू इसका आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो रूट टू का क्यूब विच बिकम्स टू रूट टू ठीक है? ना कमिंग कुछ क्वेश्चंस कर लेते ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मुझे लग जाए कि आ, आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर मैं बोलू 64 फोर टू द पावर हाफ इसका क्या मतलब होगा एट और अगर मैं कहूं 32 टू द पावर वन बाई फाइव तो आपको कैसे पता चलेगा टू टू द पावर फाइव इन अच्छा अगर मैं आपसे पूछू सिक्सटीन होल थ्री बाई फोर टू पावर वन बाई फोर टू द पावर थ्री सिक्सटीन क्या होता है टू टू पावर फोर इंटू वन बाई फोर एट लॉजिक समझ में आ रहा है एक्सीलेंट हाई टी वन ट्वेंटी फाइव टू द पावर माइनस वन बाई थ्री आप सीधे पहले इसको ऐसे कर दो वन बाई ट्वेंटी फाइव टू द पावर वन बाई थ्री बाहर ले जाओ फाइव क्यूब कट जाएगा क्या बन जाएगा फाइव सो so, मोटा मोटी आप लोगों को कहानी आती है वन बाई थ्री टू द पावर थ्री टू द पावर सेवन इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे सिंप्लीफाई करने का मतलब है राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे लिखोगे देखो वेन यू आर राइटिंग समथिंग इन पावर सो यू कैन अवॉइड फ्रैक्शन यू कैन अवॉइड सो हाउ टू अवॉइड दिस फ्रैक्शन थ्री की पावर और क्या ये मल्टीप्लाई कर जाएगा ठीक है अच्छा इसको कैसे सॉल्व करोगे इलेवन टू द पावर हाफ डिवाइड बाय इलेवन टू द पावर वन बाई फोर और क्या होता है अच्छा ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ये बताओ क्या होगा रूट फिफ्टी सिक्स या फिफ्टी सिक्स सेवन इंटू सेवन इंटू टू क्यू क्या निकलेगा टू स्क्वायर बाहर निकलेगा तो बाहर क्या बनेगा टू अंदर क्या रहेगा